आयोजक है। भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, चैनल 24 न्यूज प्लस के मनमोहक, शिक्षाप्रद, जीवनोपयोगी खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, पतन से उत्थान की ओर जाना, गिर कर के ऊपर उठना। हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनको हम सब मिलकर के किस प्रकार ऊपर उठावें, उनकी पुनर्स्थापना करें कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारत देश फिर से धर्मगुरु देश हो जावे, उसके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने विषय रखा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भाई और बहनों, बंधुओं, ये ऐसा विषय है जो कि पूरे विश्व के लिए है। इस सृष्टि में जितने लोग निवास करते हैं उन सब के लिए है। अगर इस विषय के अनुसार और इस मेथोडोलॉजी के अनुसार सभी लोग चलें, मनुष्य और अन्य प्राणी सभी इस व्यवस्था से चले शांतिपूर्ण से अस्तित्व से, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारी ये सृष्टि है, ये हमारी प्रकृति माँ है, वो सबको जगह देती है और सबने ही उनको उत्पन्न किया है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि जिन्हें चौंस दी है वो चुग्गो भी देला, यानी जिसने उत्पन्न किया है, जिसने जन्म दिया है, वो हमारा भरण पोषण भी करेगी। तो ये हमारी प्रकृति हमारा भरण पोषण करती है, लेकिन हम किस तरीके से साथ में, सारे 7 अरब की जनसंख्या है और इतने इतने असंख्य अनंत अनंत प्राणी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं और दूसरा उड़ने वाले पक्षी हैं, ये किस तरीके से सारे एक साथ में रहें। और हम विशेष तौर से जो विशिष्ट व्यक्ति है या विशिष्ट प्राणी मनुष्य है, वह 7 अरब की जनसंख्या किस तरीके आपस में रहे, उसके लिए आज का विषय है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक शांतिपूर्ण और दूसरा सह अस्तित्व। शांति का अर्थ यह है कि सभी प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें, एक दूसरे के बीच में टकराव ना हो, भाई भाई की तरह रहें, सद्भावना से रहें और किसी को कोई कष्ट ना हो, भाईचारा के साथ रहें। और सह अस्तित्व का अर्थ होता है, सह का मतलब साथ में रहना, अस्तित्व का मतलब ये एग्जिस्टेंस। व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी क्रिएचर, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द होल क्रिएचर्स, ऑफ द होल पर्संस, ऑफ द होल पब्लिक हु आर लिविंग इन दिस ग्लोब, उनका एग्जिस्टेंस क्या है। उनका एग्जिस्टेंस ये है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव इन पीस, everybody wants to remain alive, nobody wants to die and nobody wants any torture from anyone। हर की ये एक मानवीय प्रकृति है कि उसको सुख मिलना चाहिए, तो हम सभी सुख से कैसे रहें, किसी को कष्ट ना हो, वो हमारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए हमें कुछ फार्मूले पे चलना होगा, हमें कुछ सूत्रों के अनुसार चलना होगा। उसमें सबसे पहला सूत्र जो है, ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहला सूत्र ये है कि मैत्री, हमारे बीच के अंदर मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। अपना सच में सहजा मैत्री भूए सुकप्पे, स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। ये कितना बड़ा सूत्र भगवान महावीर ने दिया है कि तुम सत्य खोजना चाहते हो तो खुद खोजो। मैंने भी सत्य खोजा और जिस तुम भी सत्य खोजते खोजते तुम भी ईश्वर बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, लेकिन सत्य तुम्हें खोजना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सत्य क्या है, सबके साथ मैत्री करो। हमारे दिमाग के अंदर अगर मैत्री की भावना है, फ्रेंडशिप की भावना है, तो हमें कोई भी तकलीफ कहीं भी नहीं हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, कि हम किसी ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ लोगों को आवश्यक रूप से जाना है,
उनको रिजर्वेशन नहीं है, तो हम उन लोगों को थोड़ा हम कष्ट उठाकर उन लोगों को स्थान देते हैं तो उनको भी प्रसन्नता होती है, हमको भी प्रसन्नता होती है और सभी अपने गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये शांतिपूर्ण से अस्तित्व होता है। और उदाहरण के तौर पे भाई और बहनों बताना चाहता हूँ, बाढ़ की स्थिति आती है, बाढ़ की स्थिति में हर व्यक्ति कष्ट में आ जाता है, तो उसमें हम एक दूसरे का सहयोग करें और हम एक दूसरे के साथ के अंदर मित्रता का, भाईचारे का व्यवहार करें। जो व्यक्ति ज़्यादा कष्ट में हैं उनके तक ज़्यादा पहुँचें, उनको उनकी समस्या का समाधान पहले करें। यानी हमको एक त्याग वृत्ति से चलना पड़ेगा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अंदर त्याग की वृत्ति है। दी मेंटेलिटी ऑफ दी सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का जो मानसिकता है वह इतनी रंग लाती है, उसका इतना प्रभाव है कि व्यक्ति सहज ही पूजनीय हो जाता है। जितने जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, पीर हुए हैं, और उन लोगों ने जो है सेक्रीफाइस किया, उन्होंने बलिदान किया। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, वह सेक्रीफाइस कहलाता है, वह त्याग कहलाता है। और इस त्याग की भावना से वह व्यक्ति बहुत ही ऊंचा उठ सकता है। और त्याग की भावना के लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमेशा हमारी पूरी दिनचर्या के अंदर मैत्री, सद्भावना, सौहार्द और सहयोग, और ये भावना हर वक्त रहनी चाहिए। और इसके लिए हमको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। प्रशिक्षण देने के लिए हमारा परिवार जो है सबसे ऐसा अच्छा स्थान है। और बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है, फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड इज इज मदर। अगर मदर वेल एजुकेटेड है, अच्छे संस्कारी हैं, तो प्रारंभ से ही वो बच्चे के अंदर अच्छा बीजारोपण कर देती है, जिससे उसके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अंदर उसको कोई कष्ट नहीं आता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को जो अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, दुख हो, सुख हो, आदर हो, सम्मान हो, आदर हो, सम्मान हो, उस स्थिति के अंदर वो समभाव रखे, दोनों को एक जैसा ही समझे। दुख आ गया तो क्यों, ऐसा दुख का भी अंत होता है और सुख का भी अंत होता है। कोई भी चीज़ निरंतर रहने वाली इस दुनिया के अंदर, एनीथिंग विच विल रिमेन कॉन्स्टेंटली विच इज इमॉर्टल इज नथिंग देयर एक्सेप्ट द सोल। हर चीज़ आनी जानी है, दुनिया की हर चीज़ बदलती रहती है, तो सुख के बाद दुख भी आता है, दुख के बाद सुख आता है, ये तो साइकिलें चलती रहती है। पर हमें उन दोनों को एक समान समझना है, एक ही स्थिति के अंदर रहना है। ये ऐसा एक फार्मूला है, ये एक ऐसा सिस्टम है, यह एक ऐसी पद्धति है, अगर व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले तो उसका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अपने आप बन जाता है। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए व्यक्ति को जो है और भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर हमारे पास में मान लीजिए पानी अधिक है या भोजन अधिक है तो हमें शेयर करना चाहिए। ये जो शेयर करने की प्रवृत्ति है, ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सबसे बड़ा सूत्र है। शेयर करने के माध्यम से हम एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को अपना मित्र बनाते हैं। मित्रता के लिए कहा गया है, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। मित्र होता है जो कि कष्ट में काम आता है और वही उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। बंधुओं, आपने कभी देखा होगा कि हमारे इस जीवन के अंदर कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमारे घर के परिवार के स्वयं सदस्य कई बार वो हमारा विरोध करने लग जाते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो हैं हमें सहयोग देते हैं। उनसे हमको आशा नहीं थी कि इतना सहयोग मिलेगा, और आशा से अनुरूप, आशा से अधिक जो है हमको सहयोग मिलता है। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का एक सबसे बड़ा जो सूत्र है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए जो हमें, जो दूसरा प्राणी, जो कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसके सम्मान है, उसके अंदर हमें किसी तरह का इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उसकी जो दिनचर्या है, उसकी काम करने की पद्धति है, उसके अंदर हमें किसी तरह की रोक टोक नहीं करना, यानी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है
कि ये व्यवस्थित शक्ति है, ये सारी सृष्टि है वो अपने नियम से चलती है और व्यवस्थित शक्ति ही करता है। हम तो मात्र उस सृष्टि के अंदर, उस व्यवस्थित शक्ति के अंदर एक निमित्त मात्र है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये पुनरुत्थान का कार्यक्रम जो है, ये नवनीत निकालने का कार्यक्रम है। जिस तरीके से हम बिलोना करके और दही से जो है वो मक्खन निकालते हैं, उसी तरह पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर हम विचार विमर्श करके, मंथन करके कुछ ऐसे सूत्र निकालते हैं, कुछ ऐसी मुख्य बातें निकालते हैं जो कि हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है और हम प्रेम से एक साथ में रह सकते हैं। भाई और बहनों, अब हम काफी देर से विचार विमर्श कर रहे हैं, अब थोड़े समय पर अपने आप को फ्रेश की अनुभूति करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पुनः इसी विषय पर वार्तालाप के लिए हाजिर होंगे। ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद में फ्रेश होकर के, अपने मस्तिष्क को कूल करके, हम पुनः जो हमारा आज का मुख्य विषय है उसके पर वार्तालाप के लिए, इंटरेक्शन के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। जहाँ पर भाईचारा है, जहाँ पर प्रेम है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का निवास होता है, उस घर में शांति होती है और वो घर स्वर्ग के समान होता है। जो व्यक्ति एक स्वर्ग के समान घर में रहता है तो उसकी मानसिकता हमेशा यही रहेगी कि मेरा पड़ोसी भी उस स्वर्ग का सदस्य बने, और इससे मल्टीप्लाई होते होते अच्छे लोगों की जो मानसिकता जब मल्टीप्लाई होती है तो एक अच्छा समाज बनता है, एक अच्छा देश बनता है, और ये सारा वसुधैव कुटुंबकम जो पृथ्वी है वो पूरा एक जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है। हमारी ये पीसफुल एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण अस्तित्व, इतना एक विराट जो है वो सूत्र है कि इसके माध्यम से जो है हम विश्व के अंदर शांति की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बताना चाहता हूं आपको कि हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं, हमारे उस देश के अंदर ये भावना रहे कि हमें दूसरे की जमीन को हड़प नहीं करना है, दूसरे की जमीन को दबाना नहीं है और उनके साथ के अंदर में क्रूर व्यवहार नहीं करना है। वो हमारे मित्रवत है, वो हमारे भाई भाईवत है। तो वहाँ की संस्कृति के लोग, वहाँ के लोग जो है हमारे देश में आएंगे और हमारे देश में आकर के रहना पसंद करेंगे। आज मैं आपको उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों बताना चाहता हूँ, भगत की कोठी हमारा रेलवे स्टेशन है, वहाँ रहता हूँ, और वहाँ से जो है मैत्री एक्सप्रेस जाती है, तो वहाँ पे जो जो पाकिस्तान जाती है सीधी, पाकिस्तान के लोग भारत में आते हैं और भारत के लोग पाकिस्तान में जाते हैं, तो जो लोग हिंदुस्तान के लोग कुछ समय के लिए अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और वापस हमारे देश में आते हैं, वो ये कहते हैं, उनके हमने अनुभव, बहुत से लोगों के अनुभवों को सुना तो हमें मालूम हुआ कि हम पाकिस्तान में जाते हैं डरे डरे से रहते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं, रात होने से पूर्व हम घर के अंदर जाते हैं, हमको ये डर लगा रहता है कि रात्रि में पता नहीं हमारा क्या हो, हम जीवित भी रहे नहीं, इतना डर है, और बोलने के अंदर इतना भय है उनको कि कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया गया तो सरकार के नुमाइंदे हैं हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार करने पर। भाई और बहनों, जब वो हिंदुस्तान में आते हैं तो बड़ा सुकून महसूस करते हैं। ये जो सुकून है बहनों भाइयों, ये शांति और सुकून है, ये हमारे जीवन का अस्तित्व है, ये शांतिपूर्ण से अस्तित्व है, और सुकून तभी हो सकता है कि हम एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करें और एक दूसरे की सम्मान की भावना से, सहयोग की भावना से हम साथ में रहें। अब देखिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के लाभ क्या है। शांतिपूर्ण से अस्तित्व से सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा विकास होता है, हमारी विकास की गति निरंतर बढ़ती रहती है, और जहाँ पर अशांति हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ पर द्वेष हो, तो वो क्या होता है कि हर वक्त जो है व्यक्ति अपनी सारी जो ऊर्जा है, सारी जो प्राण शक्ति है, वह इन लड़ाई झगड़े फिसाद में ही समाप्त कर देता है। लेकिन
अगर शांतिपूर्ण से अस्तित्व का फॉर्मूला हमने अडॉप्ट कर लिया, अगर हम उसका पालन करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि नहीं, हर व्यक्ति शांति से रहे, हमारे घर में शांति होनी चाहिए, हमारे पड़ोस में शांति होनी चाहिए, हमारे शहर में शांति होनी चाहिए, गांव में शांति होनी चाहिए, और हमारे राजस्थान जो प्रांत है उसमें शांति होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं तो बार बार आपको बताता हूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने एक ऐसे आर्य देश भारत के अंदर जन्म लिया जो कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व में विश्वास करता है और दूसरे की सीमा को हड़पना नहीं चाहता, दूसरे की धन दौलत को हड़पना नहीं चाहता, उसको दूसरे की धार्मिक भावनाओं का हनन नहीं करना चाहता, दूसरे का इंसल्ट नहीं करना चाहता है, वो तो दूसरे को हम सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो सम्मान देने की संस्कृति है। हमारे यहाँ की संस्कृति है कि दूसरे लोगों को जो हमारे समान समझे। यही कारण है कि भारतवर्ष के अंदर कितनी कितनी संस्कृति आई। शुरू से देखिए तो आर्यों से लो, फिर बाद के अंदर द्रविड़ आए, फिर शक आए, हूण आए, मुस्लिम आए, और उसके बाद में डच लोग आए, उसके बाद अंग्रेज लोग आए, क्रिश्चियन लोग आए, मोहम्मेडन तो हमारे यहीं के हैं। तो इस तरीके से इतनी सारी संस्कृतियाँ आज भी भारत में पुष्पित पल्लवित हो रही है। इसका कारण क्या है कि भारतवर्ष के अंदर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे महात्माओं ने हमारी नींव को अच्छा लगाया। हमारे देश की नींव जो है वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व पे टिकी हुई है कि हम दूसरे को जो किसी तरह से कष्ट की और उसको परेशान करने की, उसको टॉर्चर करने की, उसको अनादर करने की भावना में नहीं जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से, कि जोधपुर शहर देखिए कितना सुंदर शहर है। ये ऐसा शहर है कि कोई पथिक अगर रास्ता भटक जाता है और किसी से पूछता है तो व्यक्ति उसको साथ जाकर के और जो सीधा रास्ता है वो जाके बताता है, उसको यहाँ तक कहता है लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, वहाँ पर एक लैंडमार्क आएगा, यानी उसका वो पूरा सहयोग करता है। ये जो सहयोग की भावना है ना, ये तो मैंने एक पथिक के रूप में दिया, ये सहयोग की भावना हर जगह होनी चाहिए। हम ट्रेन में हैं, किसी को प्यास लग गई, हमारे पास पानी, हम थोड़ा संकोच करें, वो पानी हमने दूसरे को दिया, ये सेक्रीफाइस की भावना है, हमने भी पिया और उसने भी पिया, दोनों शांति से रहें, ये शांतिपूर्ण से अस्तित्व के लाभ है। शांतिपूर्ण से अस्तित्व के और अन्य क्या लाभ है कि कोई भी व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में होता है तो अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करता है। हमारे यहाँ देखिए कि जो संयुक्त परिवार प्रथा है, संयुक्त परिवार जो है हमारे यहाँ पर पद्धति पुराने समय से चली आ रही है कि उसके कारण 50-50, 100-100 लोग एक साथ में रहते हैं और दुख दर्द एक साथ में बांटते हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ एक साथ में रहती है, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है उस घर में रहने वाला है वो ये सीख जाता है कि बड़े को सम्मान देना है, बड़े के साथ में किस तरीके से व्यवहार करना है, छोटे के साथ प्रेम से वात्सल्य से रहना है और अनुशासन से रहना है और अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना है। ये बातें वो प्रारंभ से ही घर से ही संयुक्त हमारी पारिवारिक प्रथा है उससे सीख लेता है। ये सीखने से क्या होता है कि व्यक्ति कहीं पर भी जाता है वो अपने आप को महसूस करता है कि एडजस्ट एवरीवेयर, हर जगह वो एडजस्ट हो जाता है और हर जगह के लोगों को अपनी मित्र बना देता है और मित्रता के कारण जो है वो एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अस्तित्व का जो है वो एक सारा वातावरण बन जाता है। बंधुओं, इसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति जिसने कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जो है ये फार्मूला दिया, ये पद्धति दी, आज हमारा सिनेरियो क्या हो रहा है, हम भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम में आज के इस सिनेरियो का अवलोकन करें तो हम ये देख रहे हैं कि भाई भाई का गला काट रहा है, बेटा बाप का खून कर रहा है और बेटी माँ का खून कर रही है, और किस तरीके से हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो नारी जाति है, पूजनीय है। नारी जाति के लिए ये कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा, यानी हमारी जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से बढ़कर है। यथा नारी यथा नारिश्य पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता,
जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये हमारी ट्रेडिशंस है, ये हमारी परंपरा है। हमारी बहन को, बेटी को, नारी को, बेटे की बहू को, माँ को जब हम गरिमा में स्थान देते हैं, उसके साथ में हम अच्छा सलूक करते हैं, तो उससे हमारी घर की कितनी शोभा बढ़ती है। और आज देखिए कि दुनिया के अंदर जो दो जेंडर की हम बात करें, पुरुष और स्त्री, तो 50-50 नहीं होकर के मान लो 52 और 48 होंगे, कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये दो वर्ग स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, ये दोनों वर्ग है प्रारंभ से चले आ रहे हैं। तो क्या स्त्री को समान दर्जा नहीं मिलना चाहिए? आज स्त्रियां जो है वह मनुष्यों से बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, और हर फील्ड के अंदर जो आज नारी शक्ति का कितना जागरण हुआ है कि नारी शक्ति ने हर क्षेत्र में, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस का क्षेत्र हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, चाहे जुडिशरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर नारी सक्सेसफुल रह गई है। और आज की विश्वविद्यालयों के सारे डेटाओं की शोध ये बताती है कि नारियों की जो है शिक्षा का प्रतिशत जो है पुरुषों से बहुत अधिक बड़ा है, क्योंकि नारी जो है वो स्वभाव से करुणा की देवी होती है, वो श्रद्धा की प्रतिमूर्ति होती है, और उसके अंदर ईश्वरीय देन ऐसी है, उसमें संकोच की भावना, करुणा की भावना, दया की भावना, मातृत्व भावना, उनके अंदर ईश्वर ने उनके जेंडर के कारण ऐसी दी है कि वह स्वयं अनुशासित रहती है, वो बदमाशी कर ही नहीं सकती, उसके ब्लड में ही नहीं है। तो मनुष्यों का ये कर्तव्य बनता है, जो मेल जेंडर है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए उनका ये कर्तव्य बनता है कि पति पत्नी जो है, मैं तो प्राय जो नए जोड़े होते हैं, नई शादी होती है, तो उनको एक ही आशीर्वाद देता हूँ कि भैया 50-50 के फॉर्मूले पर चलना। मैं उनको प्रारंभ से बताता हूँ कि शादी का अर्थ क्या होता है। शादी प्रारंभ होती है वह सम्मान से प्रारंभ होती है, फिर दूसरा उसका स्टेप होता है वो मित्रता होता है, और तीसरा स्टेप होता है वह हमारा जो दैहिक संबंध कहिए, और हमारी भारतीय संस्कृति में तो यहाँ बताया गया गृहस्थ जीवन के अंदर नारी के बिना कोई भी मांगलिक कार्य जो है धर्म का कार्य नहीं किया जा सकता। बंधुओं, तो ये कितना बड़ा शांतिपूर्ण से अस्तित्व का और दूसरे को सम्मान देने की आइडियोलॉजी जो है हमें प्रारंभ से प्राप्त हुई है, और इस आइडियोलॉजी के अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए। और जब प्रारंभ की शादी होती है तो प्रारंभ से ही स्त्री पुरुष को, लड़के लड़की को ये समझना चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और 50-50 का फॉर्मूला का अर्थ ये हो गया कि 50% तुम्हारा दर्जा है, 50% मेरा दर्जा है, न तो 49 और 51 है। जहाँ 50-50 की बात आती है वहाँ किसी को कष्ट नहीं होता है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती है, और दोनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये तो ये न्यायप्रिय बात है कि ये जो है मैं अपना घर गृहस्थी को संभालूं, और ये अपना जो है भरण पोषण का कार्य जो हमारी पद्धति बनी हुई है उसके अनुसार कार्य करें। और दूसरा सबसे बड़ा मित्र जो होता है, स्त्री का सबसे बड़ा मित्र पुरुष होता है। भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भारतीय संस्कृति का किस तरीके से उत्थान हो और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जो हमारी जीवन धारा है, वो हमारी जो लुप्त हो रही है, वो किस तरीके से हमारे जीवन में आए, उसमें आपने बहुत अधीरता के साथ में और बहुत एकाग्रता के साथ में मेरे को सुना। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका धन्यवाद। जगत कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो, और इस विश्व के अंदर हर प्राणी को सुख मिले, शांति मिले, सबका मोक्ष हो, आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं